प्रदूषण से आजकल हर कोई परेशान है, लेकिन वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी ने रिसर्च कर एक ऐसे पौधे का पता लगाया है जो प्रदूषण से हमारी और आपकी रक्षा कर सकता है। स्थानीय भाषा में इस पौधे को बनिहारी कहा जाता है। इस लुप्त होते पौधे को नर्सरी में फिर से उगाया जा रहा है ताकि शहरों में बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके। गौर से देख लीजिए, यही है बनिहारी, यानी ट्रीमा का वो पौधा जिसे कृषि वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के जंगलों से खोज कर निकाला है। इस पौधे में ऐसी खासियत है कि ये प्रदूषण के खिलाफ बेहद कारगर है। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि पीपल और बरगद के बाद ये पौधा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है, इसीलिए शहरों की हवा में घुले जहरीले प्रदूषण को कम करने में ये पौधा बड़ी भूमिका निभा सकता है। चाइना की रिपोर्ट के मुताबिक ये पाया गया है कि इसमें सबसे ज्यादा फाइकस प्रजातियों के बाद ऑक्सीजन रिलीज करने की क्षमता है, और प्रदूषित जो भी हमारे शहर है जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ पर हम इसको रोपित करके इसके आगे का अध्ययन करेंगे। ये पौधा लुप्त प्राय है, यानी ये तेजी से खत्म होता जा रहा है। अब जब इसके गुणों का पता चला है तो कृषि वैज्ञानिक नर्सरी में इसकी पौध लगाकर इसके ज्यादा से ज्यादा पौधे तैयार करने में जुट गए हैं। जब बनिहारी के पौधे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे तब उन जगहों में प्लांटेशन किया जाएगा जहां प्रदूषण से हालात बेहद खराब हैं। हम इसको संरक्षण कर रहे हैं यहां पे। हमने इसकी पहले नर्सरी टेक्निक को अडॉप्ट की है, कटिंग के माध्यम से, बीज के माध्यम से इन पौधों को यहां पर नर्सरी में तैयार किया, और लगभग 200 पौधे जब हमारे तैयार हुए हैं हमने इसको एक संरक्षित प्रदर्शन क्षेत्र के रूप में यहां पर रोपण कर दिया है, ताकि आने वाले क्षेत्र में हम इससे और पौधे तैयार करेंगे और जो प्रदूषित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में इनका वृक्षारोपण करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के बाद देश के उत्तराखंड जैसे हिस्सों में भी प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार इस पौधे को बड़ी तादाद में शहरों में लगवाती है तो ये प्रदूषण के खिलाफ जंग में बेहद कारगर साबित हो सकता है। इसकी एक खासियत ये भी है कि ये पौधा कुछ ही साल में बड़े पेड़ में तब्दील हो जाता है, यानी बनिहारी का ये पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। तारा जोशी, हल्द्वानी, इंडिया न्यूज़।